धन्यवाद भोजपुर के दर्शकों को मेरी तरफ से, पूजा जायसवाल की तरफ से प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली, हमारी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नवरात्रि में मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग शामिल हुए, बहुत अच्छा लग रहा है नवरात्रि में बर्थडे करके, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अपना समझ के आए और तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सूत्रों से जानकारी मिले कि अभी अभी आप शूटिंग खत्म करके यहाँ पे आई हो। हाँ जी जी। किस फिल्म की शूटिंग थी, क्या था, जरा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे थे गोरखपुर, विशाल शर्मा का, और विशाल सिंह थे हीरो, मैं थी मेन लीड में। और बहुत अच्छा लगा शूट करके यहाँ पे आए हैं, तो नवरात्रि हो गया, फिर बर्थडे आ गया, तो डायरेक्ट यहीं पे आए हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। तो कोई स्टार की बात करें तो कौन है उसमें आपका कोई स्टार, विशाल के अलावा और प्रमोद प्रेमी भी है क्या? हाँ, प्रमोद प्रेमी भी हैं, और हमने किया है 3-4 फिल्म, बलमा बिहार पार्ट 2, बाप रे बाप, और अभी एक किया कसम मैया की, जिसमें समर सिंह हैं, और विशाल सिंह के साथ किए हैं बेटिया, तो उसमें विशाल सिंह हैं। बाकी अभी 25 तारीख को जा रही है, उसमें प्रमोद प्रेमी है। अच्छा, जी जी जी। कैसा है किरदार उसमें आपका, किस प्रकार? हाँ, मेरा मेन लीड है। अच्छा, हाँ, किरदार नटखटी भी है, चुलबुली भी है, और करेक्टर के साथ हाँ ऐसी है, मतलब बलमा बिहार पार्ट 2 में तो कैरेक्टर था, तो वो रिलीज हो चुकी है, और बाप रे बाप फॉरन मूवी थी, वो भी रिलीज हो चुकी है, बट अभी एंडिंग में जो सारी फिल्में हैं वो रिलीजिंग में हैं, तो उसमें एक है जो बाप कसम मैया की, उसमें तो नटखटी बहू का है। हाँ, बाकी तो सब मेन लीड में है, तो नॉर्मल। और पाइपलाइन में क्या है, क्या कुछ कर रही हैं आने वाले दिनों? हाँ, अभी आने वाले दिनों में मतलब मार्च में अभी शूट चल रहा था हमारा स्टार प्लस का, तो उसमें सेकेंड लीड है, सीरियल का नाम है पराई बिटिया, तो वो अभी शूट चला, फिर पिकअप हो गया। अभी अगले मंथ में शूट जा रही है जो है घर घर की बेटी, तो स्टार भारत का है, वो सीरियल है, वो मैं करने जा रही हूँ अगले मंथ से। बच्चा पार्टी, तुम्हारे तरफ से क्या विश होगा पूजा को, आज के दिन सब लोग नहा धो के आए एकदम, क्या कहना चाहोगे पूजा के लिए? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारी दीदी का बर्थडे और हमें इतना दूर घूमने को मिला, बहुत अच्छा लगा दीदी के साथ। बस सबसे पहले सारे हमारे मित्र को नमस्कार, और पूजा का बर्थडे है तो हम लोग सारे हमारे मित्र प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सारे इकट्ठा हुए हैं, तो हम यहाँ पे इनका बर्थडे का एंजॉय कर रहे हैं, और पूजा का इस बर्थडे पर यही गिफ्ट है कि हम लोग एक साथ फिल्म करने की तैयारी है बहुत जल्दी, और अभी एक फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करेगा, तो उसमें भी आपका जो हीरो थे विशाल सिंह, तो उसका जो उनके जो मेन प्रोड्यूसर है सतीश दुबे जी भी हमारे, वो भी आए हैं, तो मनोज पांडे जी आए हैं, और डायरेक्टर प्रदीप आर शर्मा जी आए हैं, तो और एक हमारे यादव जी आए हुए हैं, और संगीतकार, और अभी एक फिल्म हमारे भाई प्रोड्यूस करने की तैयारी में है, तो बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कि हम लोग कुछ न कुछ नया ही करने की तैयारी में है। ओके सर, आप क्या शुभकामनाएं देंगे पूजा को आज के दिन, और आज के आपके तरफ से भी वही जानना चाहेंगे क्या गिफ्ट होगा आज पूजा को? हमसे तो यही गिफ्ट है कि इन लोग आगे इस करेक्टर में आगे बढ़िए, इनकी जो करेक्टर पार्टी में आगे इतना ही बड़ा गिफ्ट है। हाँ, इसमें आगे बढ़े, बर्थडे पार्टी में हम सभी लोग सेलिब्रेट किए इनके साथ, और भी लोग आए हुए हैं जो इनको ये आशीष दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही हर साल इनके साथ बर्थडे पार्टी में हम सभी लोग एंजॉय करें, हम लोग एंजॉय करें और नई नई फिल्में करें, नई नई और जल्दी इनकी फिल्म जो है रिलीज हो और आगे बढ़ते जाए। हमें तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ पाइपलाइन में चल रहा है, क्या है कुछ फिल्में, कई फिल्में कर रहे हैं साथ, काफ़ी सारी कुछ फिल्में हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, क्या क्या है? जी, अभी हमारी फिल्म जो है एक रिलीज पे है, शराबी राजा, जो कि सतीश दुबे जी हमारे प्रोड्यूस किए हैं, और अभी हम 3 फिल्में एक साथ किए, और 3 या 4 हो गया, एक चोरों का बारात, और आपका
चोरों का बाराती है, कैसी फिल्म है ये? एक्चुअली वो सारे चोर रहते हैं और एक ऐसा काफिला निकलता, धीरे धीरे वो बारात में हो जाता है, एक आदमी से ऐसा धीरे धीरे बहुत सारे चोर इकट्ठा ही हो जाते हैं तो वो बारात बन जाती है। अच्छा, ये कांग्रेस के ऊपर तो नहीं है? हाँ, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा था, बाद में मालूम पड़ा कि शायद ऐसे ही है, लेकिन अभी राजनीति है तो उसके लिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलिए, दिनेश जी चुनाव में खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100% दिनेश जी जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जो है बहुत उत्साहित हैं दिनेश लाल को लेके, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है। और मुलायम जी देखो हमारे देश के नेता हैं, जो कि अभी आए थे वहाँ जीते थे, लेकिन कोई भी काम वहाँ नहीं किए, तो उनको वहाँ शिफ्ट करके अभी बाप को हटा के बेटा आया हुआ है। हाँ, मतलब यही बात है, तो हर जगह से उनको बाप को हटा के ही बेटा आ रहा है, इसलिए उनको मुश्किल है। जी हाँ, परिवारवाद है, चले आ रहा है। जी हाँ, और यादव बड़ी तादाद में उस लोकसभा में रहते हैं, लेकिन किसी और यादव को टिकट न देके खुद चले आए वहाँ पे लड़ने, ये कहीं ना कहीं विडंबना है, इसलिए यादव वर्सेस यादव हुआ है। जी मुझे लगता है इस बार वहाँ रणनीति कुछ बदलेगी, ऐसा आपको लगता है? बहुत बहुत ज्यादा बदलेगी, क्योंकि वहाँ पे सारे यादव लोग जो है दिनेश लाल यादव के साथ में हुए हैं, और एक बहुत ही जुझारी और अच्छा नेता भी हो चुके हैं हमारे दिनेश लाल जी, हमारे मित्र हैं। नपातुल्ला बोल रहे हैं आजकल। जी हाँ, तो अब क्या बोलूँ मैं, अभी रिजल्ट तो आने ही वाला है, पार्टी लेवल में 100% जीतना, इससे बड़े लेवल पे हम लोग मनाएंगे, बहुत बहुत बड़े लेवल पे मनाएंगे, पक्का है। जी जी जी, पूजा आप क्या कहना चाहोगे, दिनेश जी खड़े चुनाव में, किस प्रकार से आप देखते हो भोजपुरी समाज को, जब इतने एक छोटे से कलाकार आज इतने बड़े स्तर पे गए, नेशनल लेवल पार्टी से चुनाव लड़ गए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी बात है, कितना गर्व है, कितना फख्र है इस बात का? पहली बात तो बहुत अच्छा है कि वो एक्ट्रेस है, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, बहुत अच्छे, मैं उनको दिल से लाइक करती हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि वो भोजपुरी के गिने चुने माने हुए एक एक्टर हैं और राजनीति में गए हैं, मेरे तहे दिल से है कि वो जीतें। चलिए सर, आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिनेश जी को, यहाँ से कि जा रहे हैं आप भी प्रचार वगैरह में कुछ? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे भाई हमारे गए हैं, फिल्मी दुनिया से भी लोग गए हैं, तो वो जीते, बस हमारी यही है, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से शुभकामनाएं है, और पूरी इंडस्ट्री खड़ी है पीछे उनके। बिल्कुल, हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग तो जाने वाले हैं, क्योंकि आप सुने होंगे शायद एक बार कि बहुड़ा जी इलेक्शन में उनके सामने अमिताभ जी खड़े हुए थे, तो वो कभी नहीं हारने वाले थे, तो उनको हराया गया था, तो ऐसे ही आज हमारे इंडस्ट्री का, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी खड़े हैं, तो पक्का 100% जीतना है, और हम जरूर जा रहे हैं। यस, जरूर। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। जय, आपकी उम्र ऐसे ही बड़ी होती रहे, ऐसे ही बूढ़ी होती रहे। देखो, मैं बहुत बड़ा सच कह रहा हूँ, होता क्या है कि हम लोगों का साल तो ख़त्म होता है, फिर भी हम खुशी मनाते हैं, तो खुशी मेरे ख्याल से मैं जो मनाता हूँ, वैसे ही सब मनाते होंगे कि मेरा जो साल गया है वो अच्छा बीता है, तो उसके वो देखते हुए हर इंसान यही खुशी मनाता है कि मेरा ये साल बड़ा अच्छा बीत गया। पूजा के लिए ढेर सारी विशेष है, आपका हर साल ऐसे ही हंसते खेलते बीते, आप खुश रहें। मनोज जी का कहना यह है कि मतलब बर्थडे विश क्यों करते हैं, कि हम लोग अपनी काम अच्छा किए इसलिए खुशी के लिए बर्थडे विश करते हैं, हालांकि कम हुआ उसके लिए नहीं करते, काम अच्छा बीता है इसलिए करते हैं बर्थडे विश। यार जैसे कि 365 दिन है, तो कभी खुशी कभी गम, जैसे भी हों, ये साल हमारा हंसते खेलते बीता है और फिलहाल अभी हम खुश हैं, तो इस साल में फिलहाल हम अभी खुश हैं, रिजल्ट फाइनली हम पास हैं, खुश हैं तो पास हैं, तो उस रिजल्ट को लेकर हम अपना बर्थडे अच्छे से मनाते हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बर्थडे, धीरे धीरे उम्र बड़ी हो रही है ना, थोड़ा शांति से मना रहे हैं। मनोज जी, और क्या कुछ चल रहा है निजी जीवन में, या फिल्मों की बात करें, पाइपलाइन में फिल्मों की बात करें, या क्या कुछ चल रहा है निजी जीवन में? तो फिलहाल सब ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है पहली बात, दूसरी चीज़ है कि अभी मेरी फिल्म आ रही है देवरा सुपरस्टार, मच गई गदर प्यार में, और एक फिल्म मैं बहुत जल्दी एक हिंदी फिल्म मैं करने वाला हूँ, तो उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी ही आ जाएगा। एक फिल्म मेरी आने वाली है पिस्टल पांडे, काफ़ी पांडे पिस्टल पांडे नई फिल्म आने वाली है, काफ़ी प्यारी फिल्म है। और एक फिल्म मेरी आ रही है दिल जान धड़कन, जो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। फिल्में कई सारी हैं, एक फिल्म है कसम दुर्गा की, वो भी रिलीज़ पर है,
ज़्यादा फिल्मों के नाम बताकर मतलब नहीं है, फिलहाल जो रिलीज़ होने वाली है वो है दिल जान धड़कन मच गिल गदर प्यार में। तो आप लोग अपनी दुआएं अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, जैसे मेरी फिल्म लहरिया लूटे राजा जी को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, इसे भी मनोज लुक बहुत बदला नज़र आ रहा है, क्या इसके पीछे क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है भाई, थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं ना तो पतले हो जाते हैं, टेंशन खत्म हो जाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। और अभी जो फिल्म कर रहे हैं ना उसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, जैसे रांझणा में धनुष जी ने पहना था वैसे ही मुझे भी पहनना है, तो वो 17-18 साल का लौंडा लगना चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये है इसके पीछे। दिमाग में जब 18 साल का लौंडा आया तो अपने आप लुक हो गया, जब बाहुबली आएगा तो हो सकता है शायद वो भी आ जाए। अच्छा चलिए, अभी दिनेश जी चुनाव लड़ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ढेर सारी विशेष, देखिए पहले तो बताऊँ कि उनका मेरा शुरू से ही बड़ा अलग रहा है, एक अच्छी यारी रही है दिनेश जी के साथ। जब मैंने काम किया, मैं पहले डायरेक्शन किया करता था, वो एक्टर हुआ करते थे, तो बहुत से सीन्स मैंने उनको दिए हैं। उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिट डायलॉग था कि अपने बहन के मंडप दुनिया के कोनों भी कोना में बना ला, तो रे बहन के डोली की कहार ना, तो रे बाप के दामाद बन के ना दिखो नहीं तो हम अपना बाप के बेटा। तो बड़ा प्यारा डायलॉग था उनका, इसके लिए 27 रिटेक कंटिन्यू उनको मैं बैठा कर मैंने रिहर्सल कराई थी, तो उनका मेरा बड़ा अच्छा ताना बुना रहा है और मैं उनसे प्यार बहुत करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अखिलेश जो है उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो पर्सनल वे में अगर देखा जाए तो दिनेश के साथ भी मेरी विशेष है और अखिलेश जी के साथ भी है, बिकॉज वो भी एक पढ़े लिखे बंदे हैं, यूपी के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। अभी फ़िलहाल हम यूपी गए थे तो वहाँ हमने देखा अखिलेश एक एजुकेटेड बंदा है जिसको आज का जो युवा वर्ग है वो प्यार भी करता है, नो डाउट। योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेरे सामने जो अभी तक मैंने देखा अखिलेश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिनेश एक अभिनेता है तो वो काफ़ी चर्चे में रहे हैं, तो भीड़ उनके लिए आनी है, लाजमी है। नेता होना अभिनेता होना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। एज अ अभिनेता उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक सुपरस्टार का तमगा लिया, मेरी विश है कि वो नेता बनकर भी सुपरस्टार नेता बने और आगे बढ़ें और ऐसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करें। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रचार के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, उसमें से आपको भी निमंत्रण मिला है मनोज पांडे को, या कुछ इस तरीके का कोलैबोरेशन बन रहा है और उनके प्रचार प्रसार? देखिए वो मेरे अपने हैं, मैं पहले बता दूं कि जो मेरा पड़ोसी, फिर वो किसी भी जात धर्म का हो, मेरा पड़ोसी पहले मेरा अपना होता है। अखिलेश जी से मेरी रोज़ मुलाकात नहीं होती, पर दिनेश जी से मेरी रोज़ मुलाकात होती है, हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब जैसे आप मीडिया भाई लोग हैं तो इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा कुछ ज़्यादा ही जमता है, तो दिनेश जी से भी मेरा बहुत जमता है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा दिनेश लाल यादव होंगे और मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा और मेरी विश है कि वो आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। मैंने कहा ना जैसे अभिनेता की तरह वो सुपरस्टार रहे, ऐसे नेता बनके भी वो सुपरस्टार रहे, और जब उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा, जैसे मैं पहले खड़ा रहा हूँ। उनके स्टार्डम में मेरा बहुत बड़ा साथ रहा है, तो मैं अभी भी चाहूँगा ऐसे स्टार्डम में भी अगर उनको मेरी ज़रूरत लगी, मनोज आर पांडे की ज़रूरत लगी तो मैं ज़रूर। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी बात है कि मनोज तिवारी हों या रवि किशन हों, दिनेश लाल यादव हों और एक नेशनल पार्टी से ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी फक्र की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? जी ये बहुत बड़ी बात है। मनोज जी ने देखिए ससुरा बड़ा पैसा वाला आया, मनोज जी हों, सुधाकर पांडे जी थे, लाल सिन्हा जी थे, तो ये बहुत कुछ ऐसे पुराने नाम हैं जिनको लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है खाली एक्टरों का ही हाथ इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे डायरेक्टर हैं, हमारे मीडिया भाई हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो भरोसा करते हैं। देखिए आज की डेट में ना बाप भी अपने बेटे पे भरोसा नहीं करता है, 100 रुपया देता है तो पहले पूछता क्या है, क्या करेगा, कहाँ खर्च करेगा। यहाँ करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर्स लगाते हैं लेकिन वो नहीं पूछते हैं, चार लोग होते हैं जो आसपास के, वो बोलते हैं सर ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, इनको ले लीजिए। बहुत से प्रोड्यूसर्स डूब भी जाते हैं और बहुत से लगाकर सिनेमा हिट भी कर लेते हैं, तो उस हिट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा एक्टर को मिलता है। तो ये पूरा श्रेय सबको जाता है, सारे टेक्नीशियंस को जाता है, खाली मनोज जी हों या दिनेश जी हों या रवि जी हों, ये ज़रूर कहूँगा कि हर आदमी का एक मुखिया होता है, तो मुखिया के रूप में मनोज जी रहे, रवि जी रहे, दिनेश जी हैं, तो जिनको मुखिया चुना गया वो उस पूरी तरह परिपक्व हैं और वो उस पोस्ट के लिए, मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बट वो उसके योग्य हैं, वो और वो बाखूबी उन्होंने उस योग्यता को निभाया है। तो इतना है कि ढेर सारी विषय से वैसे ही आगे बढ़ते रहें और भोजपुरी समाज का नाम रोशन करते रहें। घर का कोई एक ही बंदा होता है जो बहुत फेमस होता है, मेरी बात थोड़ी बड़ी हो गई है पर मैं बता समझा सकता हूँ। राम जी बहुत बड़ा नाम है पर एक नाम और है पीछे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। राम जी बहुत फेमस है पर रीत आज भी रघुकुल की ही चलती है, ऐसा क्या था?
तो सबके पीछे कोई एक रीत है, एक बड़ा नाम है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े नाम रहे, जैसे कुणाल सिंह, कुणाल जी रहे, बहुत सारे नाम रहे, मैं तो शायद सारे नाम जानता भी नहीं। भिखारी ठाकुर जी रहे, बहुत सारे नाम, तो वो नाम पहले आते हैं, बाकी ये सारे नाम हैं, सबको इज्जत है, सबको मान सम्मान है, पर मैं ये कहूँगा उनको भी ना भूलें। आज वो ना होते, अगर भोजपुरी एक पेड़ ही ना होता तो आज हम सब ना होते। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि उनको साथ लेकर जरूर चलें, क्योंकि जिसकी जड़ का पता नहीं होता उसकी पुण्य का पता नहीं होता। थैंक यू सो मच।